39 और 40, ये तीन बैच एक साथ होगा। सबसे पहले नाउन क्या है हम उसमें चलते हैं, और नाउन के बारे में क्या पढ़ना है ध्यान से देखना बेटा, आप सिर्फ मेरे साथ साथ पढ़ना, और अगर आपको कुछ डाउट हो तो बताना, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लिखने की जरूरत नहीं है। सनोज कुमार बेटा, जिससे आप पढ़ रहे हो ना, जिन लोगों से दूसरे प्लेटफॉर्म पे बेटा, वो सारे मेरे स्टूडेंट रहे हुए हैं और उनकी क्वालिटी क्या है मुझे पता है, इसीलिए एक तो मैं आपको बता रही हूं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सीधा स्ट्रेट अवे, मैं इस हैप्पी को जो प्रमोशन किया जा रहा है किसी का मैसेज आने दे रहा उसको मैं अवॉइड कर रही हूं। बेटा मैं एक चीज बता देती हूं, आपको अगर फ्री पढ़ना है तो बेटा गोल्डन रूल्स वाला जो क्लास चला मैंने उसमें फ्री पढ़ लो, उसमें कोई इशू नहीं होगा। अगर आप कहोगे नहीं हमको बहुत डिटेल में 6 महीने का और अच्छे से कोर्स करना है तो बेटा बैच खरीद लो, लेकिन अगर बीच में कहोगे कि नहीं मैम आप भी वो कर दीजिए ये कर दीजिए, बेटा मेरे बस की बात वो सब नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया एक अनाउंसमेंट आज करूंगी रात में, लेकिन याद रखना बेटा इंग्लिश में जो मैं दे रही हूं क्वालिटी, प्लीज मेरा कंपैरिजन किसी से मत करना, क्योंकि आपको आज जो भी पढ़ा रहे हैं ना वो सारे यूट्यूबर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बहुत कम टीचर्स है जो अच्छे टीचर्स ऑफलाइन वाले जो ऑनलाइन में उतना हार्ट एंड सोल दे रहे हैं। बेटा सारे ऑफलाइन वाले बहुत अच्छा कमा रहे हैं, वो ऑनलाइन में उतना ज्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता ऑनलाइन में यही डिमांड आती रहती है, तुम लोग की डिमांड से बहुत गंदे गंदे डिमांड्स, कोई डिफरेंस नहीं है। इट्स मैंने कहा बेटा अलग चैप्टर से शुरू है बस, आ जाओ। अब मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना बेटा, मैं आपको बता दूं इस बैच में या कोई भी स्पेशल बैच में पूरा ग्रामर पूरा वोकैबुलरी जो मेरे 20 शीट्स है उसके हिसाब से देखा जाए तो 3000 वोकैब होता है। पैसेज यानी कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट, यानी ये पूरा होगा, इसलिए आप टेंशन मत लो। यस विक्रम कराऊंगी बेटा, पहले ग्रामर खत्म कराऊंगी इसमें। अब आओ सबसे पहले आप देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं ही इज अ गुड टीचर, ही इज एक मिनट, ही इज अ गुड टीचर, ध्यान से देखो बेटा। अगर मैं कहूं इसमें बताओ तो नाउन क्या है, तो कहोगे नाउन होता क्या, पहले ये तो बताओ। बट नाउन मतलब नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड का मतलब, नेमिंग वर्ड मतलब जो नाम बताता है, नाम बताने का मतलब, नाम बताने का मतलब ये हुआ कि मेरा नाम क्या है, नीतू सिंह ये मेरा नाम है। आप मेरा नाम नहीं जानते हो तो पूछोगे वो टीचर कौन है, टीचर बोलोगे। वो महिला कौन है, यानी वुमेन नाउन है, महिला या वुमेन नाउन है। वो लेडी कौन है, तो लेडी क्या है, नाउन है, राइट। यानी लेडी, वुमेन, टीचर है ना, और नीतू सिंह, चारों नाउन। कभी भी कोई बच्चा है तो कहते वो बॉय कौन है ना, वो चाइल्ड कौन है, तो चाइल्ड, बॉय, ठीक है, सिटीजन, इंडियन, ये सब क्या है, नाउन है। किसी भी नाम से आप किसी को बुलाते हो तो नाउन है। अगर मैं तीन लोगों को कहता हूं ये तीनों जानते कौन है, ये एक्स वाई और जेड है, एक्स वाई और जेड, तो बेटा कहोगे एक्स वाई और जेड आपने नाम दे दिया तीन लड़कों को, तो भाई एक्स वाई और जेड भी तो नाउन है। यस, सो नाउन इज नेमिंग वर्ड। अब अगर हम इसमें देखें तो नाउन कौन है, तो बेटा ये सब मैं आपको किसी का नाम बताने वाला एक ही नाम दिख रहा है, दैट इज टीचर। अब आ जाओ अगर टीचर नाउन है तो भाई टीचर की विशेषता कौन बता रहा है, एडजेक्टिव है। बेटा याद रखना जब आप टीचर की विशेषता बताओगे ना तो उसको कहते हैं एडजेक्टिव। और अगर कहोगे गुड टीचर, ओके, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताया, एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, बेटा एडवर्ब बताता है। अब हम आपको एक चीज पूछेंगे खाली कि ही इज अ वेरी गुड में अगर हम टीचर हटा दे, ही इज अ वेरी गुड टीचर में अगर हम टीचर हटा दे और कहें ही इज अ वेरी गुड, चलेगा? देखो तो नितिन आप मुझे व्हाट्सएप कर चुके हो, अच्छा जरा नितिन आप एक काम करो, नितिन कुमार आप मुझे अभी तुरंत व्हाट्सएप कर दो अपने मोबाइल नंबर के साथ, चलिए जल्दी बोलो, ही इज अ गुड टीचर, चलेगा? ही इज अ गुड टीचर, बोलो चलेगा? हाँ बेटा, जिसको जिसको पढ़ना है पढ़िए, और नहीं तो आराम करिए, प्लीज जवाब देने दो बच्चों को, बीच में कुछ भी मत बोलो। ही इज अ गुड टीचर की जगह पे ही इज अ गुड चलेगा? नहीं चलेगा। ही इज अ गुड नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि टीचर के लिए आर्टिकल आया, ये जो टीचर है ना बेटा उसके लिए आर्टिकल आया। अगर आप कहोगे ही इज अ वेरी गुड नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि नाउन के लिए हम आर्टिकल लगाते हैं। पहला पॉइंट क्लियर कर लो बच्चों, आर्टिकल इज फॉलोड बाय अ नाउन, अगर आर्टिकल है तो नाउन होगा। अगर कहेंगे ही इज अ गुड टीचर तो बिल्कुल सही है, आर्टिकल ए किसके लिए आया, टीचर के लिए। अगर मैं कहूं कि नहीं टीचर नहीं है भाई, तो कहोगे टीचर नहीं है तो ए भी हटा दो, क्यों? क्योंकि ही इज अ वेरी गुड क्या होता है, ए जो है ए आ रहा है टीचर के लिए, यानी टीचर है तभी आर्टिकल है। पहला पॉइंट ध्यान से सुनना बेटा, आर्टिकल अगर है तो नाउन होगा, आर्टिकल अगर है तो नाउन होगा, पहला पॉइंट। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट, नीतू मैम टीचर्स इंग्लिश, बेटा नीतू मैम टीचर्स इंग्लिश, बेटा इंग्लिश भी तो नाउन है यहाँ पे, देखो तो, ठीक है, नीतू मैम टीचर्स इंग्लिश में नीतू मैम नाउन है तो इंग्लिश भी तो नाउन है। देखो ध्यान से मैं बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, दो अलग अलग सेंटेंस बताने की मैंने ये चीज कोशिश की थी। नीतू मैम बेटा ये टीच करने वाला कौन है, नीतू मैम, और क्या पढ़ाती है, इंग्लिश। करने वाला जो करता है, करता का मतलब होता है डूअर, बेटा डूअर के प्लेस पे नीतू मैम आया, और क्रिया जिस पर हो रहा है बेटा उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे इंग्लिश आया। यानी पहला पॉइंट जो मैंने सिखा दिया कि आर्टिकल के बाद नाउन आता है, ठीक है। दूसरा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन आता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उनके प्लेस पर नाउन आता है, देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन आता है, ध्यान रखना बेटा। सब्जेक्ट मतलब करने वाला करता, यहां करता कौन है, नीतू सिंह, और वो क्या कर रही है, पढ़ा रही है, ओके, क्रिया हो गया पढ़ाना, किस चीज पर काम कर रही है, इंग्लिश पर, तो करने वाला डूअर और जिस पर काम किया गया इंग्लिश, बेटा ये दोनों नाउन है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अब दो पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट, जो आर्टिकल के बाद नाउन का आना तय है, भले उस नाउन को आप उस आर्टिकल से चाहे जितना दूर कर दो कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब लगा के, लेकिन आर्टिकल के बाद नाउन का आना तय है। दूसरा, नाउन और कहां आता है, सब्जेक्ट के प्लेस पर और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, ठीक है। थर्टी सेवन नंबर बैच आपका ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे क्लास चलेगा, आप लोग को नोटिफिकेशन जा चुका भी नहीं। नेक्स्ट आओ, आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, बेटा फॉन्ड ऑफ, ये ऑफ जो है ना ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है। I am fond of sweets, ध्यान से देखो बेटा, fond यानी कि fond मतलब
अनफॉन्ड ऑफ क्या है ये? बेटा याद रखना, एडजेक्टिव जो होता है ना, बहुत सारे एडजेक्टिव्स, बहुत सारे वर्ब्स, बेटा उसके बाद प्रेपोजिशन फिक्स्ड है, प्रेपोजिशन फिक्स्ड है, जैसे फॉन्ड के साथ ऑफ, फॉन्ड के साथ ऑफ फिक्स्ड है, और ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। बेटा प्रेपोजिशन का मतलब हो गया है, सुनो ध्यान से, कि प्रेपोजिशन कहता है भाई मेरे पास नाउन आएगा, प्रोनाउन भी आ सकता है और जेरेंड भी आ सकता है। बोलो मैम जेरेंड क्या है? बेटा जेरेंड भी नाउन है, फिर प्रोनाउन क्या है? भाई प्रोनाउन नाउन के प्लेस पर इस्तेमाल होता है, तो बोलो कि सीधा फिर बोलो ना नाउन आता है, नहीं बोल सकते। बेटा नाउन और प्रोनाउन दोनों अलग चीजें हैं, और जेरेंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म है जो नाउन का काम करता है। इसलिए याद रखना, हर प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, हर प्रेपोजिशन के बाद नाउन नहीं हो तो प्रोनाउन आता है, हर प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन नहीं हो, बोलोगे मैम मेरे पास वर्ब है तो फिर जेरेंड है। वी वन लगाना पड़ेगा, फिर पूछोगे भाई ये है क्या, ये बताओ तो पहले। अब ध्यान से सुनना बेटा, फिर से, जब हम नाउन की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या कहोगे? नाउन का मतलब होता है जिसमें जिसका नाम होता है, नेमिंग वर्ड, यानी जो नाम के स्थान पर इस्तेमाल करते हैं। कहां आता है? आर्टिकल के बाद। और कहां आता है? कर्ता यानी सब्जेक्ट के प्लेस पर और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। और कहां? बाद। ये यहां तक बताओ, कोई प्रॉब्लम? अमरनाथ, बस एक आप कोई बैच ले लो बेटा, शांति से बैठ के पढ़ो। YouTube में पढ़ना रियली में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि YouTube में सीरियस कैंडिडेट कम होते हैं। अब यहां पे एक कोई है, किसी टेस्ट का एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है, तो क्या होता है ना, हम लोग भी आपके मैसेज पढ़ते रहते हैं ध्यान से, कि भाई आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बीच में अननेसेसरी जो मैसेजेस होते हैं ना, प्रियांक बेटा आप 37 नंबर बैच लिए हो, तो आप कल आओ, आज नहीं बताऊंगी, पहले मैं कल आपका चेक करूंगी कितना चैप्टर्स बचा है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी, ठीक है? कल आओ, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आपको नोटिफिकेशन आया होगा। आई हैव टू स्टडी टू बुक्स, क्या है ये? डू आई हैव टू होगा बेटा? इस कैसे लगा रहे हो अभिषेक? मैंने गोल्डन रूल्स पूरा कंप्लीटली फ्री पढ़ा रही हूँ, आपको जो फ्री मिलेगा बेटा वो हम तय कर लेंगे, ठीक है? इसीलिए मैं रोज रात को गोल्डन रूल्स लेके आ रही हूँ, उसको पढ़ो प्लीज, यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करो, अभी मैं सीरियस पढ़ाने के मूड में हूँ। चलो सुनो, हो गया ये तीनों? अब आओ नेक्स्ट। आप कहोगे ठीक है, समझ में आ गया, नाउन का मतलब नाम देने वाला वर्ड यानी नेमिंग वर्ड। कहाँ आता है? आर्टिकल के, अगर आर्टिकल आ गया तो नाउन आएगा ही आएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है, ये भी समझ में आ गया। प्रेपोजिशन के बाद आएगा, वो प्रेपोजिशन क्या है? ऑन, इन, अंडर, ऑफ, इनटू, फॉर, ये सब क्या है? वो प्रेपोजिशन जो होते हैं ना, पोजीशन बताने वाले वर्ड होते हैं, बेटा ऑफ प्रेपोजिशन। इसके बाद नाउन आएगा। अब नेक्स्ट तो एकदम पिटारा खोल देगा, पिटारा, आई हैव नो क्या इंफॉर्मेशन। अगर मैं कहूं दिस इज माई, बोलोगे दिस इज माई क्या? दिस इज माई बुक, बोलोगे अच्छा अब समझ में आया, दिस इज माई बुक। शी इज हर, शी इज हर क्या? शी इज हर फ्रेंड, ओके अब समझ में आया, हर के बाद फ्रेंड लगा रहे हो, ठीक है ना? आई हैव मेनी, मेरे पास कई है, कई है क्या है? कई, हाँ कई क्या है? आई हैव मेनी ऑरेंजेस, टू ऑरेंजेस, अ लिटिल शुगर, यस जानवी बिल्कुल हो जाएगा बेटा, डबल पेमेंट हुआ बिल्कुल हो जाएगा, अब मेल करके निश्चिंत बैठ जाओ, 3 से 4 दिन के अंदर आपका वापस आ जाएगा। नितिन, ओके मैं देख लेती हूँ नितिन, चलो सुनो ध्यान से बेटा, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, ध्यान से देखो, नो एनी, मेनी, एनी का मतलब कोई, मेनी मतलब कई, सम, फ्यू, लिटिल, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना लगाना लगाते चले जाओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कुछ भी लगा लो, इन सब के बाद नाउन होता है, ठीक है? याद रखना, अगर हम आर्टिकल ले ले, अगर हम इस आर्टिकल को ले ले, ठीक है ना, और 0.4 से लेकर 5 6 ये ले ले, याद रखना बेटा ये सब डिटरमिनर्स है। आप कहोगे ये कौन सी नहीं बला है, ध्यान से सुनना, जब भी अगर हम कुछ ऐसे लिखना चाहें, देखो ध्यान से, एक सेकेंड रुको, जब भी हम कहें दिस इज माई, और ऐसे लिखें आई हैव मैनी, या ऐसे लिखें शी हैज सम, या फिर लिखें यू हैव नो, तो बोलोगे लिख क्या रहे हो ये तो बताओ, ये तो कोई मीनिंगफुल है ही नहीं, कुछ मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, क्या बोलना चाह रहे हो? अब बोलना क्या चाह रहे हो? मैं कहूँ दिस इज माई बुक, ओके ये बुक हुआ नाउन, नाउन के पहले ये माई लगा दिए, बेटा ये डिटरमिनर है, डिटरमिनर कहता है भाई मेरे बाद नाउन होगा ही होगा, और नाउन नहीं लगाओगे ना तो मीनिंग कंप्लीटली क्लियर नहीं निकलेगा, ठीक है? नेक्स्ट आओ, आई हैव मैनी, मैनी क्या? मैनी फ्रेंड्स, यानी अगर हम नाउन लगा दे तब जाके ना मीनिंग निकल रहा है, इसलिए मैनी भी क्या है? डिटरमिनर है। शी हैज सम, सम क्या? शी हैज सम क्या? नॉलेज, ओके नॉलेज क्या है? नाउन है। क्यों बेटा? हर डिटरमिनर के बाद नाउन नहीं लगाओगे तो फिर मीनिंग ही कंप्लीट नहीं निकलेगा। यू हैव नो मनी, मनी मतलब नाउन, बेटा नाउन के पहले अगर ये नहीं लिखे ना, सॉरी नो के बाद अगर नाउन नहीं लिखे तो फिर नो का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। यू हैव नो, यू हैव नो क्या? ठीक है, समझ में आया? बोलो माही, थैंक यू सो मच बेटा, खुश रहो हमेशा। दीपक नहीं हो पाया बेटा, कल मेरा गला बिल्कुल जाम था, आज भी थोड़ा सा फंस रहा है, इसीलिए कह रहे हैं। चलो अब सुनो ध्यान से बेटा, दिस इज माई बुक, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, शी हैज सम नॉलेज एंड यू हैव नो मनी।
ये तभी सही हुआ जब हमने एक नाम लगाया बेटा, इसीलिए नो सम मेनी माई ये सब क्या है, ये सब डिटरमिनर्स है। सो व्हाट इज अ डिटरमिनर, अब मैं आपको तीन से चार डेफिनेशन पूछूंगी। व्हाट इज अ डिटरमिनर, डिटरमिनर बताता है कि मेरे बाद नाउन होगा। व्हाट इज नाउन, नाउन का मतलब नाम जो नाम बताए। नाउन कहां कहां आ सकता है बेटा, आर्टिकल के बाद आ सकता है, सब्जेक्ट के प्लेस पे आ सकता है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ सकता है, प्रपोजिशन के बाद आ सकता है, डिटरमिनर्स के बाद आ सकता है, और ये सारे डिटरमिनर्स है। टू भी क्या है, प्रपोजिशन, उसके बाद आएगा, और माई भी क्या है, डिटरमिनर है, उसके बाद ये नाउन आया। देखो यही तो है जो मुझे समझाना था खान। यस बेटा क्या करूं मैं, हाँ खाली क्लास ही लेते रहती हूँ। और ठीक, मेरे स्टूडियो के बाहर जिम है, मेरा पर्सनल जिम है, कर ही नहीं पा रही। हाँ केरी कैंपस और केरी लाइफ एकदम मुझे रगड़े हुए हैं, जिसको कहते हैं ना कि एक है उसी को रगड़े रहो। नहीं हाँ, ये क्लास वो, अच्छा क्या साउंड प्रॉब्लम कुछ क्या, ये क्लास वो क्लास सब क्लास लिए रहो। आधा दिन लगा रहते हैं ऑफलाइन में, आधा दिन लगा रहते हैं ऑनलाइन में, और फिर कहते हैं मैडम आप मोटी हो गई, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए। मैं कहती हूं एक बैच खत्म कर दो और वो मुझे एक्सरसाइज के लिए छोड़ दो। तो कहते कोई बात नहीं मैम, तीन महीना बात कर लीजिएगा। तो जैसे मैं कहती हूँ एक बैच ऑफ कर दो कि मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर लूँ, तो कोई बात नहीं, एक महीना बाद, तीन महीना बाद, ऐसे करके टुमारो नेवर कम्स, जानते हो ना। चलो मैं आपको एक चीज बताऊं बेटा, आप लोगों को एसएससी में जितनी आप लोगों को सहूलियत है ना प्राइस की, उतना कहीं नहीं है। हम लोग इनफैक्ट मैं पिछले साल उसके पहले लॉकडाउन में बहुत फ्री पढ़ाया, फिर ऑफलाइन खुल गया तो फिर मैं थोड़ा सा यूट्यूब में नहीं आ पाई क्योंकि मैं बिजी रह गई। अब फिर जनवरी से मैं लगातार रोज फ्री पढ़ा रही हूं। फिर भी अगर आप लोग शिकायत है बेटा, तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ क्योंकि देखो किसी भी संस्थान के लिए कमाना भी जरूरी होता है ना, तो मैं अपना चैरिटी वर्क भी कर रही हूँ, मैं अपना कमाई भी कर रही हूँ, सब कुछ मैनेज करके चल रही हूँ। आप अगर फ्री देकर पढ़ सकते हो तो पढ़ के एक बार में फिनिश करके खत्म कर लो, फिर आपको इधर उधर उधर इधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और मैं आपको एक चीज समझाती हूँ बेटा, एक बार जब आप इंस्पेक्टर बन जाओगे ना, तब आपको महसूस होगा कि मेरे पास पढ़ के आप भटके नहीं हो। मेरे पास जानते बेटा 50% एडमिशन्स कौन है, वो है जो ऑलरेडी 700 या 900 कहीं और गवा के आए हुए, ठीक है। और उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई अलग से चैरिटी खुला के, अच्छा भैया तुम 900 देकर आ गए हो तो यहाँ कम दो, ऐसा कुछ नहीं है। वो वहाँ भी गवा के आते हैं, और फिर बाद में ना बेटा उनके लिए 900 या 1000 रुपये जो गवा के आते हैं ना, वो इंपॉर्टेंस नहीं रखता। फिर उनको लगता है कि हमने समय बहुत बर्बाद कर दिया। एक भी बच्चा ये नहीं कहता कि मैं मेरे पैसे बर्बाद हो गए, वो ये जरूर कहता है मैं पैसे बर्बाद हो गए लेकिन मेरा समय बहुत खराब हो गया। तो इंग्लिश में बस एक जगह पढ़ लो, और मैथ्स में तो प्राइस वॉर छिड़ा हुआ है क्योंकि मैथ्स में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई पड़ी है, हमने तो यही देखा है। हर तीसरा कैंडिडेट 3 महीने के बाद कहता है मैथ्स पढ़ा लेंगे, ठीक है ना। हर तीसरा कैंडिडेट मतलब पढ़ने वाला बच्चा, तो 3 महीने के बाद कहता है मैथ्स पढ़ा लेंगे। मैथ्स में प्राइस वॉर बहुत छिड़ा हुआ है। इंग्लिश अभी इस चीज से अछूता है क्योंकि मैं एक चीज जानती हूँ, मैं पिछले 15-17 साल से इस फील्ड में हूँ, मुखर्जी नगर में 2006 से हूँ, जिसमें कोई इंस्टीट्यूट पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन तब से लेकर आज तक बेटा मैं पढ़ती हूँ। और आपको मैं छोटी सी बात बताऊँ, मैं कई बार जैसे कल भी मैं दिल्ली में नहीं थी, 14 घंटा मेरा सफर में बीता है, कल मैं पूजा करने गई थी कहीं, तो रास्ता भर में कोई ना कोई जो इंग्लिश के कोई भी टीचर, जैसे आप एक बार इंग्लिश का टीचर का देखना शुरू करो ना, तो सजेशन में दूसरे टीचर आने लगते हैं। पता नहीं कौन कौन से टीचर जिसका मुझे लगता है पूरे पूरा व्यूज भी 400 नहीं गया होगा, मैं उन टीचर्स की भी क्लास देख रही थी कल, क्योंकि मैं जानती हूँ नाम पता चलता है ना, ये डिनोट करता है नाम, नाम मतलब कोई भी चीज का नाम यार, ठीक है। कहां आता है, कम्स सबसे पहले, आफ्टर आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल दिख गया तो उसके बाद नाउन आएगा ही आएगा। आफ्टर प्रेपोजिशन, बेटा प्रेपोजिशन के बाद मैंने कहा आपको कि भाई देखो बेटा प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, अगर नाउन नहीं हुआ तो प्रोनाउन होगा, क्योंकि प्रोनाउन संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। और अगर प्रोनाउन भी नहीं हुआ तो बेटा अगर वर्ब होगा तो वो जेरेंड के फॉर्म में होगा, यानी वर्ब आईएनजी के फॉर्म में होगा, ये सब बाद में पढ़ेंगे। चलो ये जेरेंड जब भी देखता है तो वी1 आईएनजी के फॉर्म में होता है। अब आओ और कहां आएगा, तो बेटा मैंने कहा आर्टिकल के बाद, प्रेपोजिशन के बाद, उसके बाद इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के प्लेस पर और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, और लास्ट पॉइंट मैंने कहा आपको, नहीं लास्ट नहीं, हाँ लास्ट ही, तो आफ्टर डिटरमिनर्स। और डिटरमिनर क्या है बेटा, डिटरमिनर वो कोई भी शब्द हो सकता है, इनफैक्ट डिटरमिनर्स के में तो आर्टिकल भी आता है, वो कोई भी शब्द हो सकता है बेटा, ठीक है ना, कोई भी शब्द हो सकता है जिसके बाद नाउन की जरूरत पड़ती है, माई हिज हर योर 1 2 3 4, उसके बाद दिस दैट दीज दोस, यानी ये सारा एक्सेट्रा लगा दो, क्योंकि डिटरमिनर अलग एक चैप्टर भी है, ठीक है, अलग एक चैप्टर भी है। देखो तो ये हम, आप चाहोगे तो ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है, ये हाथ से लिखा हुआ जो है वो सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे। चलो नेक्स्ट आओ, ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया, अब आओ नेक्स्ट, ध्यान से सुनना, ये कौन सा है, ऑफलाइन बैच है, 21 अप्रैल को आ रहा है, ओके अब देखो, अरे भैया इतना लाल लाल काहे हुए जा रहे हो तुम, इंग्लिश फोबिया है, इंग्लिश फोबिया नहीं होता, एंग्लो फोबिया होता है, देखा हाँ। चलो प्रशांत मुझे व्हाट्सएप करना बेटा, बाकी देखेंगे, मेरे जो स्टूडेंट्स है वो मुझे अपने पर्सनली व्हाट्सएप कर दो। चलो आ जाओ सुनो, आज रात को 9 बजे मैं एक बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ, रुको मैं बताती हूँ एक मिनट, आज रात को अनाउंसमेंट होगा कि नहीं, कहाँ है वो आज रात को 9 बजे स्पेशल अनाउंसमेंट करूंगी, प्रशांता मुझे व्हाट्सएप कर दे बेटा, मैं अभी देख लेती हूँ थोड़ी देर में क्लास खत्म करने के बाद। चलो आगे बढ़े, सुनो ध्यान से बेटा, नाउन जो है ना उसके टाइप्स भी तो होंगे भाई, हर चीज का टाइप होगा, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव वर्ब हो, कुछ भी हो, सब चीज का टाइप होगा। अब आओ सुनो ध्यान से, 20 क्लास नाउन का लगा बेटा, इतना टॉपिक नहीं है नाउन, दीपक आ जाओ सुनो ध्यान से। और दूसरी बात एक चीज और है, आपको सब कुछ मैं बहुत सुंदर से हाथ का भी लिख के देते जा रही हूँ, और बेटा आपको प्रिंटेड भी सारा पीडीएफ मिल जाएगा, आपका काम है सिर्फ पढ़ो और तुरंत फटाफट अपना नोट्स जो बना रहे हो बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना तो बनाओ, लेकिन क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना, ये बहुत जरूरी है। अच्छा बेटा यूपीएससी के लिए ये नहीं है, यूपीएससी के लिए कंपल्सरी इंग्लिश है। चलो प्रॉपर नाउन भाई, प्रॉपर नाउन क्या है ध्यान से सुनना बेटा, अगर मुझे देख लो सीधा, खाली एक मुझे देख लेना, मैं हूँ क्या टीचर, मैं हूँ टीचर, यानी कि एक कॉमन नाउन, आपको मैम टीचर कॉमन नाउन, एक प्रोफेशन का नाम है। अरे भाई यहाँ रखना कि मेरे तो कई टीचर्स होंगे है ना, तो वो टीचर्स में अगर मैं कह दूं वुमेन कह दूं लेडी कह दूं बेटा, ये सब कॉमन नाउन। अब मेरा नाम क्या है, नीतू सिंह, मैं प्रॉपर नाउन,
यानी कि वुमेन कॉमन नाउन है, क्योंकि सारे हमारे जैसे को वुमेन कहोगे आप, और मैं जो पर्टिकुलर हूं वो प्रॉपर नाउन, ठीक है। यानी जेनेरिक नेम जैसे बॉय, सिटी, प्लैनेट, ये कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन जैसे बॉय की जगह पे मैं कह दूं राम, सिटी की जगह पे कह दूं दिल्ली, प्लैनेट की जगह पे कह दूं मरकरी, ये प्रॉपर नाउन है। यानी मेरा नाउन ले लिया प्रॉपर नाउन। आप कहोगे मैम आप में इंटेलिजेंस है, तुम में ऑनेस्टी है, उस लड़के में सिंसियरिटी है ना, हैप्पीनेस होना चाहिए लाइफ में। आप कहोगे भाई ये ऐसी चीजों का नाम ले रहे हो आप जिसको हम टच नहीं कर सकते, हम उसे फील कर सकते हैं। हैप्पीनेस, जॉय, सोरो, हैप्पीनेस मतलब खुशी, जॉय मतलब खुशी, सोरो मतलब दुख तकलीफ जो कहोगे, एंग्विश, है ना। अगर मैं कहूँ ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, बेटा अगर ऑनेस्टी और सिंसियरिटी छू सकते तो पहले दिन हम रिएक्ट कर देते हैं बेईमान आदमी इसको नहीं रखेंगे, है ना। लेकिन पता कहाँ चलता है सिंसियरिटी, आप बहुत दिनों तक फिर कुछ दिन तक काम कर लेता तब महसूस होता है, नहीं। तो देखो ध्यान से बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो ऐसे नाउन है जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते। मटेरियल नाउन बेटा जो चीज ठोस होता है, जिसका कुछ बनता है, जैसे कि गोल्ड जिसमें पदार्थ है, कॉटन, सिल्वर, वुड, ये मटेरियल है जिससे कुछ और बन सकता है। एंड कलेक्टिव नाउन ग्रुप्स का नाम, किसी चीज के कलेक्शन का नाम। अब किसी चीज के कलेक्शन का नाम तो मैं आपसे ही पूछूंगी अभी थोड़ी देर में, पहले ये जरा देख लो मोहित कुमार वो खत्म हो चुका है बेटा। RWS ऑफिशियल बेटा, बाद में बात करना, अभी पढ़ लो, पढ़ लो पहले। मोहित कुमार वो डल भी चुका है, देखो एफ कैट सीरियस की ऑफकोर्स बेनिफिशियल होगा बेटा, मेरे नाम मेरा मैं भूल गई थी, एनडीए का नाम लिया एफ कैट का लिया नहीं और सीरियस का नहीं लिया था, बिल्कुल होगा बेनिफिशियल। अब सुनो, अगर मैं ये आप समझ में आ गया है तो मैं जो लिखूंगी ना आप उसमें मुझे कौन कौन सा नाउन है और वो नाउन में किस प्रकार का नाउन है आप जल्दी मुझे फटाफट बताते चले जाना, मैं एक पैराग्राफ लिख रही हूं। कौन कौन सा नाउन मुझे बताना, आप वर्ड उतारते जाइए और उसके बगल में लिखते जाओ कौन सा नाउन है और किस कैटेगरी का है। नहीं थी मेरा गला भी खराब था, आ जाओ देखो चलिए सिनोनिम एंटोनिम बेटा याद तो करना पड़ेगा ना, वो तो खैर क्लास नो खत्म हो रहा है। फिर हवा, हवा का बेसिक मजबूत करता है। एग्जामिनेशन गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, ये सब मटेरियल नाउन है। देखो व्हेन हिज डॉटर, जब उसकी बेटी, अगेन कॉमन नाउन है। विश, एक दिन उसका विश जो था ग्रांट कर दिया गया जो उसने मांगा था। ही कुड टच एंड टर्न एवरीथिंग इनटू गोल्ड, सब जो है ये आप छू नहीं सकते सिर्फ महसूस कर सकते, ठीक है। द लिव्ड अ किंग, ये भी कॉमन नाउन में आएगा क्योंकि ऐसे तो सारे जितने हैं सबको किंग्स कहते हैं। हिज नेम वाज नाउन में आएगा, अनकाउंटेबल नाउन में, ठीक है। द लिव्ड अ किंग, ये भी कॉमन नाउन में आएगा क्योंकि ऐसे तो सारे जितने हैं सबको किंग्स कहते हैं। हिज की कहानी बहुत फेमस है, ये है प्रॉपर नाउन, देखो नाउन है। देखो वंस अपॉन अ, जैसे अ दिखा हम समझ में आ गया कि ये नाउन है बेटा, टाइम का हम टाइम्स भी कर सकते हैं, है ना। ये अनकाउंटेबल नाउन है बेटा, याद रखना, कॉमन नाउन में आएगा, अनकाउंटेबल नाउन में, ठीक है। द लिव्ड अ किंग, ये भी कॉमन नाउन में आएगा क्योंकि ऐसे तो सारे जितने हैं सबको किंग्स कहते हैं। हिज नेम वाज, जैसे नेम देखा हम समझ में आ गया हमें कि उसका नाम मिडास था, बेटा मिडास की कहानी बहुत फेमस है, ये है प्रॉपर नाउन, देखो। ही हैड इंटेंस लव, बेटा लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये लव जो है ये आप छू नहीं सकते सिर्फ महसूस कर सकते हो। उसे बहुत प्यार था, किस चीज से, गोल्ड से, मटेरियल नाउन से। और बेटा उसकी जो डॉटर थी उसका नाम मैंने नहीं दिया, खाली डॉटर लिखा है, ये भी कॉमन नाउन है, ठीक है। अगर कॉमन नाउन के बाद उस बेटी का नाम भी दे देते तो देखो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों एक साथ आ जाता, ठीक है। वन डे ही वॉज ग्रांटेड हिज विश, एक दिन उसका विश जो था ग्रांट कर दिया गया जो उसने मांगा था। ही कुड टच एंड टर्न एवरीथिंग इनटू गोल्ड, सब कुछ छू के वो गोल्ड में चेंज कर सकता था। अगेन गोल्ड है, यही तो करा चुकी हूं मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिज हैप्पीनेस, बेटा हैप्पीनेस इज अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। मक्खी कहां है, अच्छा सॉरी, मटेरियल नाउन बेटा, गोल्ड इज मटेरियल नाउन। हिज हैप्पीनेस टर्नड इनटू सोरो, बेटा सोरो का मतलब हो गया, अगेन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखो व्हेन हिज डॉटर, जब उसकी बेटी, अगेन कॉमन नाउन है, अलोंग विद हर बंच ऑफ रोसेस, वो बेटी उसके दौड़ती हुई आई थी एक रोजेस का गुलदस्ता लेकर, रोजेस का गुलदस्ता बंच हो गया बेटा, ऐसे बहुत सजा हुआ बनता है तो उसको बुके कहते हैं। देखो बंच का मतलब हो गया यहां पे कलेक्टिव नाउन, है ना। ऑफ रोजेस, रोज कह सकते हो बेटा, प्रॉपर नाउन है, एक तरह का फूल की बात हो रही है ना, अगर फ्लावर्स होता तो कॉमन नाउन होता। इनटू गोल्ड, गोल्ड अगेन मटेरियल नाउन, गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, ये सब मटेरियल नाउन है, देखो, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम, पे आप एक चीज चेक करना कि जहां पर भी हमने ऐसे नाउन लगाए हैं जिसका सिंगुलर प्लूरल बन सकता है वो कॉमन नाउन है जनरली। जहां पे एग्जैक्ट नाम है, किंग का नाम मिडास, फ्लावर का नाम रोज, वो प्रॉपर नाउन है। गोल्ड था तो मटेरियल नाउन हो गया। हैप्पीनेस, सोरो, लव, जिसको महसूस करते हो छू नहीं सकते,
वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड बंच ऑफ रोसेस वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। देखो क्लियर, ये हमने आपको करा दिया। अब आओ नेक्स्ट देखो बेटा, 20 तारीख को एक इंडिया का बैच शुरू हो रहा है और ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है 20 अप्रैल को। मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करती हूं बेटा, ऑनलाइन दो तरह के लोगों के लिए, एक तो जो वर्किंग है जो आके नहीं पढ़ सकते उसके लिए, दूसरा है जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए। क्योंकि हमें लगता है सब लोग देखें कि हाँ पढ़ा कैसे जाता है और वो पढ़ ले जो पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी रेनन मार्टिन और सब कुछ पढ़ उठ के देख लिया था बेटा, ये सब स्कूल के जो तरीके हैं पढ़ाने के वो अलग है, वो आपका बेसिक मजबूत करता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यूट्यूब पढ़ाते हैं क्योंकि अभी चलन है, राइट। लेकिन अगर आप कहोगे पढ़ाई कैसे होगी, तो बेटा पढ़ाई एक तो जो सीरियस स्टूडेंट है जो कह सकते हैं कि हम घर में भी रहकर पढ़ सकते हैं, वो ऐप में पढ़ते हैं तो सीरियसली पढ़ते हैं, और दूसरा पढ़ाई होता है ऑफलाइन जो जबरदस्त होता है। ठीक है, इसीलिए यही दो तरीका है जो पढ़ने का, वरना आप यूट्यूब में पढ़ाओ तो अननेसेसरी मैसेजेस देख देख के पागल हो जाते हैं। वंश आउट ऑफ मार्केट हो चुका है बेटा, ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, सॉरी एक दो दिन में आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ अब आती हूं फिर से कॉमन नाउन की बात करें, जरा देखो तो ध्यान से, इसमें ही एक कॉमन नाउन हमने उठाया है उसको जरा देखो। देखो मेरा कॉमन नाउन जो होता है ना बेटा, कॉमन नाउन को भी आप ग्रुप में बांट सकते हो, मस्कुलिन यानी जो पुरुष से रिलेटेड वर्ड होंगे, फेमिनिन यानी जो महिलाओं से रिलेटेड वर्ड होगी बेटा। कॉमन अब बोलोगे कॉमन नाउन के अंदर भी कॉमन नाउन, यस कॉमन वो है जो आप वर्ड से समझ नहीं सकते पुरुष है कि महिला है, या तो आगे मैं अगर हिस लगाऊं या हर लगाऊं तो समझोगे, और अगर नहीं समझ सकते हो तो ही मान के चलना कि लड़का ही होगा वहां पे। ठीक है, और न्यूटर, न्यूटर मतलब होता है जिसका कोई जेंडर नहीं होता। अब ध्यान से सुनना, अगर हम न्यूटर जेंडर की बात करें तो बेटा सबसे आसान इससे पहले ये खत्म करेंगे, न्यूटर जैसे कि कुर्सी, चेयर, डेस्क, मेज जिसको कहोगे, बेंच, ये सब क्या है, ये बिल्कुल न्यूटर नाउन है, क्योंकि न्यूटर जेंडर जो होता है ना बेटा उससे आपको जेंडर का एहसास नहीं होता। टेबल, बुक, चॉकलेट, पेन, पेंसिल, फैन, रोड, की, वॉलेट, ये सारे क्या है, ये सब न्यूट्रल जेंडर है। न्यूट्रल जेंडर का मतलब हमें इसके जेंडर से कोई मतलब नहीं है। ग्लास, कार, किट, हेडफोन, विंडो, रेडियो, बोर्ड और बैग। हिंदी सबसे मजेदार भाषा है, क्यों ध्यान से सुनना, हिंदी इसलिए मजेदार लगता है कि भाई यहाँ पे मेज, टेबल, बेंच, ये सबका लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। ठीक है ना, एसी कहते हैं ना मेरी कलम टूट गई, अरे भैया कलम टूट कैसे गई, है ना ये लड़की थोड़ी है, इनका कहना है ना किताब फट गया, ये होता है ना किताब फट गया, अब गया क्यों है, गई क्यों नहीं है, है ना। फिर कहते हैं अच्छा किताब है तो पुलिंग में खत्म हो रहा है, फिर हवा, हवा बहती है, अरे भाई हवा आ में खत्म हो रहा है तो बहता हुआ होना चाहिए ना, तो पानी बहती होना चाहिए था, पानी बहता है। अब ये सबसे दिक्कत वाली बात है हिंदी में, जहां पर मैं भी फंसती हूं, जहां पे हर बिहारी फंसता है और जहां पे हर अंग्रेज भी फंसता है, ये सबसे दिक्कत वाली बात होती है। क्लियर, अब आओ दूसरा नेक्स्ट पॉइंट में चलना बेटा, वो है कॉमन नाउन। बेटा कॉमन नाउन अगर मैं टीचर कहूँ ना, तो बेटा टीचर से पता नहीं चलता कि लड़का है कि लड़की। अब आप कहोगे कि मैम टीचर के लिए नाउन नहीं समझ में आ रहा कौन है, तो प्रोनाउन क्या यूज करें, बेटा टीचर के लिए आप ही लगाओगे क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा जेंडर है। अगर आप कहोगे मैम आगे लिखा हुआ है द टीचर इज नॉट इन हर क्लास, इज नॉट टेकिंग हर क्लास, तो कहीं अच्छा हर है इसका मतलब महिला है, और अगर नहीं पता चल रहा कहीं से तो बेटा आप सबके लिए ही लगाओगे। स्टूडेंट कोई फीमेल नहीं होता, क्लाइंट इसका भी कोई फीमेल नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से, कस्टमर, लॉयर, रिलेटिव, चाइल्ड, पेरेंट, एनिमी, डॉक्टर, एम्प्लॉय, नेबर, ये सब ऐसा नाउन है जिसका फीमेल का कुछ आता पता नहीं है। म्यूजिशियन, गार्जियन, वर्कर, पर्सन, सिंगर, डांसर, डायरेक्टर, बर्ड, कहाँ है कोई फेमिनिन इसका। बेटा अगर आप बुक से पढ़ रहे हो, क्लास नोट से पढ़ रहे हो, बेटा आपको सारा पीडीएफ तो मिल जाएगा, लेकिन अगर बेहतर है आप क्लास नोट से पढ़ रहे हो तो पेज नंबर 215 खोल लेना, 215। ठीक है, 215 नंबर पेज में हूँ मैं, इस पेज में हूँ। ठीक है, आगे चलो, फेमिनिन और मस्कुलिन में अब आएंगे। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसका मस्कुलिन और फेमिनिन आपको पता होगा और होना चाहिए भी, जैसे ब्राइडग्रूम, बेटा ब्राइडग्रूम दुल्हा, ब्राइड इज दुल्हन, टाइगर बेटा बाघ होता है, और टाइग्रेस बेटा टाइगरेस नहीं है, टाइग्रेस है, टाइगर जी ई आर में ई डबल एस नहीं लगा, देख लो ई हट गया है, जी आर है सीधा, ये स्पेलिंग मिस्टेक में आया हुआ एक बार। मास्टर का फेमिनिन मिस्ट्रेस, इसलिए हेड मास्टर का हेड मिस्ट्रेस होता है। ठीक है, मिल्कमैन बेटा मिल्क मेड, जो गोलन होती है ना वो मिल्क मेड होती है। लॉर्ड जहां देखे समझाना इसका फेमिनिन लेडी है, लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी। देखो अगर सर्वेंट की बात करते हैं तो कई लोग कई बार कहते हैं सर्वेंट और मेड, बेटा ध्यान रखना फुल नहीं है सर्वेंट, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, सर्वेंट वर्ड दोनों में है। फॉक्स आप कुछ जानवर भी देख लो, अब फॉक्स यानी कि लोमड़ा है ना, तो लोमड़ी विक्सन हुआ। एक बार किसी पूछा मैम उल्लू का फेमिनिन, मैंने कहा उल्लू का फेमिनिन तो भाई नहीं पता, फिर मैंने कहा भाई उल्लू से पुरुष ही हो सकता है ना, महिला थोड़ी होती है उल्लू, इसलिए उल्लू उल्लू कुछ नहीं होती। देखो हॉर्स मेयर, अगर आप बकरी की बात करोगे बिली गोट, नाइन गोट, जादूगर विजर्ड, जादूगरनी विच, लेकिन विच का एक बहुत गंदा सा मतलब है जो बहुत फेमस है और वो है चुड़ैल। ठीक है, बत्तख गैंडर, और उसकी जो फीमेल होती है उसको गूज कहते हैं। रूस्टर या कॉक मुर्गा, फेमिनिन हेन। देखो ठीक है, बुल डॉल्फिन, बेटा डॉल्फिन में भी जो मेल होता है उसको बुल डॉल्फिन कहते हैं, आपको पता है सांड को बुल कहते हैं और गाय को काउ कहते हैं, तो देखो डॉल्फिन में भी बुल डॉल्फिन और काउ डॉल्फिन है। रैबिट में भी वही चीज बेटा, बक रैबिट एंड डो रैबिट, पुरुष बक रैबिट और महिला डो रैबिट। हाँ कभी कभी हम लोग ऐसे करते हैं ना, मैं अपने बेटे के साथ खेलती हूँ, अब उसको ऐसा मैं बोलती हूँ कुछ कि उसका फीमेल हो ही नहीं, जैसे मैं उसको कह देती हूँ कछुआ, ठीक है, फिर उसको उल्लू, अब उसका फेमिनिन है ही नहीं, मुझे क्या बोलेगा। साक्षी इफको के लिए बेटा कोई भी स्पेशल बैच ले लो, उसमें आपका हो जाएगा अच्छे से। आप देखो ध्यान से बेटा, एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः को ध्यान से देख लो। पहला
डेब्यूटांट, जो डेब्यू करता है उसको डेब्यूटांट कहते हैं, और जो महिला होती है जो पहली बार डेब्यू कर रही है डेब्यूटांट ही बोलेंगे उसको, लेकिन ई लगा देंगे। जैसे शाहरुख खान का बेटा अगर पहली बार आएगा पिक्चर में तो क्या होगा, पहली पिक्चर उसकी होगी तो उसमें डेब्यूटांट होगी, है ना। अब कोई फीमेल है तो महिला अगर है तो डेब्यूटांट हो गई। सॉरी मैम फॉर डिस्टर्बेंस, हम झारखंड से और हम अभी पढ़ना चाहते हैं, बट मेरी फैमिली वाले शादी करना चाहते हैं, मैम हम क्या करें। हाँ श्रुति, अगर आपकी एज 22-23 के अंदर है तो बेटा बहुत फॉर्मली कह दो आई वांट टू स्टडी। अब एक दिन मेरे पास एक लड़की आई थी बेटा 29 ईयर्स की, बहुत परेशान कि मैं एकदम तैयारी के मिड में हूँ और मेरे घर वाले शादी करना चाहते हैं। तो बेटा 28, 29, 30 के लगभग आपके घर वाले एक प्रेशर डालेंगे ही, क्योंकि वो एक एज लिमिट हो जाता है, उसके बाद शादी करनी ही चाहिए, है ना, वो आप एज के ऊपर हो चुके हो। लेकिन अगर 21-22 साल के हो तो घर वाले अगर जबरदस्ती कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है, बच्चियों को पढ़ने दीजिए, क्योंकि एज इसमें जानती हूँ, मैं एजुकेटेड नहीं होती ना तो आज मैं बहुत बुरी हालत में होती, ठीक है। शादी का कोई ठिकाना नहीं है क्या होगा, ठीक है, एक जुआ है, मैं तो मान के चलती हूँ। ऐसे लड़कियों को कम से कम पढ़ा के उनको पैरों पे खड़ा होना देना चाहिए आपको मौका, सभी पेरेंट्स को मैं यही कहूंगी। कॉन्फिडेंट बेटा, विश्वास पात्र, कॉन्फिडेंट होते हैं ऐसे व्यक्ति जिस पर आप विश्वास करके अपने राज बता देते हो, है ना, और अगर वही महिला है तो ई लगा देना कॉन्फिडेंट। इसका होमोनिम है AIR, उत्तराधिकारी, एयर, और उत्तराधिकारी नहीं एयरेस। देखो बेटा ABCD के अलावा कुछ नहीं आता अनुज, तो बेटा पहले आपने एक बार स्पोकन का 60 डेज का वीओडी ले लो, ठीक है, 60 डेज का वीओडी ले लो तो ज्यादा चलेगा। चलो बेटा मेरा बैच कंप्लीट होता है अराउंड 6 मंथ्स में, ध्यान रखना। बेनिफैक्टर, इसको कहते हैं बेटा दान करता, जो बेनिफैक्टर होते हैं जो दान देते हैं वो बेनिफैक्टर होते हैं जो किसी को दान देकर हेल्प कर रहे होते हैं। बेनिफैक्टर्स वो होते हैं जो दान देने वाली जो होती है ना लड़कियां महिलाएं, देखो एक्टर का एक्ट्रेस, देखो एक्टर का एक्ट्रेस है तो बेनिफैक्टर का बेनिफैक्टर्स हो गया। मंगेतर लड़का, फियांसे, और लड़की है तो फियांसे में देखो डबल ई लगा। तो देख रहे हो चीज, कॉन्फिडेंट हो या फियांसे हो या डेब्यूटेंट हो, खाली ई लगा के फीमेल बना लिया। सचिन तेरा मेरी तो 16 साल में शादी हो गई, बेटा काहे मजाक उड़ाते हो, कोई अगर प्रॉब्लम है ना तो उसके प्रॉब्लम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है, समझो, किसी के प्रॉब्लम को समझो, उसमें कोई खर्च नहीं होता। सागर, ये बैच नंबर 40 है बेटा, ये मंडे वेंसडे और फ्राइडे को होगा, बैच नंबर 40 मंडे वेंसडे और फ्राइडे को होगा, और अगर आप आराम आराम से पढ़ सकते हो तब ये बैच लेना, और नहीं तो अगर आप कहोगे नहीं मैम हमें जल्दी चाहिए तो वीओडी ले लो। बेटा ये देखो जरा ध्यान से, अब हमारा अपडेटेड बुक आने वाला है अप्रैल के एंड में 2023 का, ठीक है, अपडेटेड हो रहा है ये बुक। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और उसके पहले आप सबको बता दूं मैं, ये बैच नंबर 40 है जिसमें 38, 39, 40 तीन बैचेस है और ये साथ में चलते हैं, ये चैप्टर नाउ से शुरू हुआ है। आपको आपके अगर आप एडमिशन लोगे तो बेटा ये पूरा बुक मुझे खत्म कराना है, ये पूरी बुक आपको मैं खत्म कराऊंगी, इसमें पूरा यहाँ पे आपका सिलेबस दिया हुआ है, ये आपके साथ हम शेयर कर लेंगे, जो जो चैप्टर खत्म होता जाएगा, जैसे मैं कह दूंगी आपको कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक वाला जो चैप्टर रिकॉर्डेड डलेगा, प्रोवर्ब रिकॉर्डेड डलेगा, ठीक है, दो तीन छोटी चीजें हैं जो रिकॉर्डेड डलेगी वो रिकॉर्डेड डलेगी, बाकी पूरा करोगे। आज आपके लिए बहुत सारी चीज इंपॉर्टेंट है, आज आपको बहुत सारे चैनल बहुत कुछ फ्री दे रहा है, बेटा फ्री फंड की चीजें लो जहां से मिल रहा लो, लेकिन अगर आप अननेसेसरी गप करना शुरू कर दोगे तो बेटा यूट्यूब में पढ़ाने का जो मकसद है वो खत्म हो जाएगा। आप अननेसेसरी बातें मत करिए, बुक अगर लेना है आपको तो बुक आप फ्लिपकार्ट से बिल्कुल मत लेना अभी, क्योंकि फ्लिपकार्ट में सारे चोर बैठे हैं, उस पर मैं केस करने वाले। अब आप लोगे तो सिर्फ केडी पब्लिकेशन से लोगे, क्योंकि ये एकदम अपडेटेड है, और फ्लिपकार्ट में अभी भी ये कवर पेज लगा के, आप तो मुझे लगा ये भी लगा देगा, ये कवर पेज लगा के 2017 का एडिशन बेचा जा रहा है, अंदर भी 2022 का चुका है वो एक पेज में, क्योंकि उनको तो वही प्रिंट करा रहा है खुद ही, रद्दी पेज रद्दी कंटेंट से 2017 का सारा मटेरियल बेच रहा है इसीलिए। और खासकर एक है बहुत बड़ा चोर, विजय बुक सेलर, जो राजस्थान शायद जयपुर का है, उसको भी मैं उस पर भी केस कर रही हूं। ये सारे चोर चक्के मिलकर पूरा बुक बनकर धार करके बैठे हुए आज से नहीं 7 साल से, अब मेरा नजर खुला क्योंकि ऑनलाइन अब मैं आई हूं। अब आइए कॉमन नाउन में आते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पहले ध्यान से सुनना बेटा। अच्छा बेटा कॉमन नाउन का मतलब, कॉमन नाउन का मतलब होता है बेटा जो कॉमन है ना, जैसे टीचर कहा मैंने, बुक कहा, यानी कि आप देख लो तो उसमें कोई भी आ सकता है जिसका सिंगल प्लूरल बना सकते हो। कॉमन नाउन को भी दो कैटेगरी में बांट रहे हैं, पहला है अनकाउंटेबल नाउन और दूसरा है काउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन बेटा जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाउन चैप्टर में इसका लिस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा मैं लास्ट में 5 मिनट में आपके सबके प्रॉब्लम सुनूंगी, रुक जाओ। काउंटेबल नाउन्स जिनकी गिनती कर सकते हैं बेटा सिंगुलर और प्लूरल में इनको हम डिवाइड करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा हम नॉलेज का नॉलेजेस कभी नहीं कहते, लेकिन एयर का एयर डिक्शनरी में है जिसका कुछ और मीनिंग है, ठीक है, इसीलिए अब आओ हम आपको दिखा दें कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। देखो जरा कंपल्सरी इंग्लिश 21 में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का PDF नहीं है, ये देखो एक लड़का लिख रहा है कंपल्सरी इंग्लिश 21 में, ये इसका उतारो, ये आप एमा का मैसेज पूरा का पूरा अभी मुझे भेजो। चलो करें आगे, सुनो बेटा अनकाउंटेबल नाउन का मतलब है कि अनकाउंटेबल है जिसकी गिनती नहीं हो सकती। बेटा जिसकी गिनती नहीं हो सकती उसके लिए प्रोनाउन हमेशा इट लगाओगे और उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। बेटा इस लिस्ट को पहले रट्टा मार लो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसी पर मैं क्वेश्चन काफी दूंगी आपको। अगर गिनती ही नहीं हो सकती तो दे कहां से आएगा, दे मतलब इट का बहुवचन दे होता है तो हम इट लगाएंगे, और जब गिनती ही नहीं हो सकती तो सिंगुलर वर्ब लगाओ, राइट। अब नेक्स्ट सुनना बेटा, आर्टिकल की अगर हम बात करें तो एक पानी एक हवा बोलोगे, नहीं बोलोगे। अगर एक पानी एक हवा नहीं बोलते हो तो बेटा ए और एन आर्टिकल नहीं लगाएंगे, मैक्सिमम लगा सकते हैं तो द, ठीक है। अगर अनकाउंटेबल है बेटा तो कहोगे, मान लो अनकाउंटेबल से शुगर, क्वांटिटी ऑफ शुगर होता है, लिटिल शुगर होता है, मच शुगर होता है, प्लेंटी ऑफ शुगर होता है। अब हम जैसे कहें एनर्जी, एनर्जी भी तो अनकाउंटेबल है, ग्रेट डील ऑफ एनर्जी, सम एनर्जी, लॉट्स ऑफ लव, लव भी तो अनकाउंटेबल है, अ लॉट ऑफ क्या नॉलेज, मनी एक एग्जांपल दिया, कहोगे मैम मनी अनकाउंटेबल है, बेटा मनी अनकाउंटेबल है, रुपीस पैसे डॉलर काउंटेबल है। मैं ऐसी एग्जांपल दूंगी ताकि आप कंफ्यूज हो, समझ में आ गया। नेक्स्ट आओ सिंगुलर प्लूरल, विक्रांत बेटा मुझे व्हाट्सएप करो तो अभी फिर से, अभी बस क्लास खत्म करके मैं व्हाट्सएप चेक कर लूंगी आप लोग का, ठीक है। चलो सुनो ध्यान से, अगर आप कहोगे कि भाई सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, बेटा सिंगुलर नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, बॉय इज कमिंग, बॉयज आर कमिंग, बॉय के लिए ही लगाओगे और बॉयज के लिए दे लगाओगे, तो सिंगुलर के केस में शी ही और इट,
प्लूरल के केस में दे। अब देखो अगर मैं कहूं अ बॉयज कहोगे, मैंने अ बॉयज तो कभी नहीं सुना है, इसका मतलब है प्लूरल नाउन के साथ ए और एंड नहीं। अनकाउंटेबल नहीं है वो, काउंटलेस है, राइट? ये आप लिस्ट पहले अच्छे से समझ लो, और ये लिस्ट समझ लो कि भाई अनकाउंटेबल के साथ ये आएगा, और काउंटेबल है अगर तो सिंगुलर के साथ खाली इतना, और प्लूरल के साथ ये आएगा। सिंगुलर नाउन के साथ ये है, प्लूरल के साथ ये है। अगर ये समझ लोगे तो फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। और जिनको मेरा नंबर चाहिए, व्हाट्सएप नंबर, बेटा फोन मत करना, व्हाट्सएप करना बस, बाकी फोन मैं उठा नहीं पाती। मैं आपको नेक्स्ट डे तक सबको कॉल करा दूंगी, आपकी जो प्रॉब्लम्स है रिजॉल्व करा दूंगी, ठीक है? अब पूछो जो आपको पूछना है। इसके पहले मैं जरा आपको समझा दूं, बेटा ये बैच नंबर 40 शुरू हुआ है, और ये जो बैच नंबर 40 है, अगर आप कॉम्बो लोगे तो पूरा कंप्लीट डिटेल है, टाइम के साथ चलेगा। यस विवेक, यस सोनम, इसका डेमो